फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में गर्मी के प्रचंड प्रकोप को झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने और छात्रों में सेवा भावना का बीज डालने के ध्येय को अग्रिम पंक्ति में रखने वाले विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सिरसागंज नगर इकाई ने जल मंदिर प्याऊ लगाने का पुनीत कार्य किया। एबीवीपी की स्टूडेंट फॉर सेवा इकाई के द्वारा सिरसागंज नगर में लगाए गए प्याऊ का शुभारंभ उप जिलाधिकारी सिरसागंज श्री विवेक राजपूत जी ने किया। एबीवीपी के जिला प्रमुख डॉक्टर नितिन मिश्र ने बताया कि छात्रों में माननीय गुणों को विकसित करने के लिए विद्यार्थी परिषद प्रति वर्ष SFS आयाम के द्वारा कार्य करती रही है। उसी भावना के साथ इस वर्ष सुमंगल मैरिज होम के सामने श्री राम मंदिर के बाहर जल मंदिर प्याऊ की शुरुआत की गई। नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि प्याऊ के कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों में शरबत का वितरण भी किया गया। फिरोजाबाद जिले का जिला प्रमुख डॉक्टर नितिन मिश्रा और हमारे साथी गौरव शर्मा जी, हम सभी के द्वारा और हमारे पूरे सिरसागंज नगर की टीम के द्वारा आज जल मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थी परिषद 1949 में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष SFS सेवा के तहत, जिसे हम स्टूडेंट फॉर सेवा कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रतिवर्ष छात्रों में सेवा के कार्यों का आगे एक समरूपता के साथ आगे ले जाया जाता है, जिसमें जल मंदिर यानी कि प्याऊ का एक कार्यक्रम होता है जो प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं, और उसी के तहत इस बार भी हम लोगों ने प्याऊ का कार्यक्रम किया, जिसका शुभारंभ सिरसागंज नगर के उप जिलाधिकारी महोदय ने किया। और ये कार्यक्रम एक औपचारिकता मात्र नहीं है, आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ है और इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरसागंज नगर इकाई सिरसागंज नगर में और भी जगह जल पात्रों को रखने का, घड़ों को रखने का, प्याऊ लगवाने का कार्य करेगी और साथ साथ एक और अभियान का आरम्भ किया जा रहा है, जिसको पक्षियों के लिए पक्षी बचाओ अभियान है, जिसमें पक्षियों के लिए जल पात्र रखने का और साथ साथ दाने की व्यवस्था करने का सभी छात्रों से आग्रह करते हैं और सभी छात्र अपनी अपनी छतों पर वो कार्य निरंतर करते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।